रूम को भी मैं भी आपके साथ देखता हूँ, आज का ट्रिप भी करेंगे डेफिनेटली। सो स्टिल वेटिंग एंड एंजॉय द जर्नी। सो गाइस, मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने होटल में और इस वक्त मैं बिल्कुल होटल वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ, इस्तांबुल टर्की में, अपने होटल के वेटिंग एरिया में लॉबी में बैठ के वेट कर रहा हूँ अपने रूम का। बिकॉज़ जो मेरी फ्लाइट थी वो फ्लाइट मेरी पहुँच गई अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट 4 o'clock एट इस्तांबुल एयरपोर्ट, और मेरी जो चेक इन है वो है जनाब, मेरी चेक इन जो है वो है 12 PM आफ्टरनून में। सो मुझे होटल में ही इधर लॉबी में बैठना पड़ेगा। आप होटल देखिए, ज़बरदस्त होटल है। और गाइस, मुझे सबसे पहले सर्व किया गया है ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टर्किश कॉफ़ी से, जो मैंने ऑलमोस्ट पी ही ली है, थोड़ी सी रह गई है, ख़त्म होने वाली है। सो ये अभी तक का फाइनली मेरा भी ट्रिप है एयरपोर्ट से होटल तक का। अभी रूम का वेट हो रहा है, लेकिन ये लॉबी में बैठने का भी बहुत मज़ा आ रहा है। होटल व्यू मैं आपको एक दफ़ा से फिर दिखा रहा हूँ, अच्छा है, नीट क्लीन है। अब मैं रूम भी देखूँगा, वो भी आपको बताऊँगा कि रूम कैसा होगा। अभी तक का व्यू तो ज़बरदस्त है। सो फाइनली अभी रूम का वेट हो रहा है, और जैसे ही रूम अरेंज होगा सो आई विल शो यू गाइस माय रूम, और फिर आज का ट्रिप भी करेंगे डेफिनेटली। सो स्टिल वेटिंग एंड एंजॉय द जर्नी। सो फाइनली मुझे सुबह 4 PM से मैं होटल में आया हुआ हूँ, और अभी 9 PM मुझे रूम मिल गया है। चेक इन टाइम 12 o'clock था, लेकिन 9 PM रूम अरेंज हो गया। सो 5 घंटे की एक लॉन्ग वेट के बाद, एक तवील इंतज़ार के बाद मुझे रूम मिल गया है, और इस वक्त मैं अपने रूम में हूँ, एंटर हो चुका हूँ। अभी मैंने लगेज रखा है और रूम को भी मैं भी आपके साथ देख। अच्छा जी, रूम हमें मिला है डबल बेड के साथ। आई थिंक ऑर्डर शायद डबल बेड ही किया था, नहीं सिंगल किया था शायद, पता नहीं। बट अलग भी इन्होंने कहा डबल बेड ही अवेलेबल है, तो अभी मैंने इसको लॉक कर लिया है। और मैं अभी ऐसे के ऐसे आई हूँ, हशर हुआ पड़ा मेरा, नींद इतनी आई हुई है, तो आज मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये रूम की सिचुएशन है, बेटर है, काफ़ी बेटर है। और पेरिस में जो होटल में रूम था उससे काफ़ी, उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। डबल बेड भी ठीक है, रूम सिंगल पर्सन के लिए तो परफेक्ट है। और वॉशरूम देखते हैं, ये तो मैंने भी अभी नहीं देखा। वाओ नाइस, हाँ वॉशरूम तो सा अच्छा है। शावर के लिए भी अलग अच्छा बेस्ट है ये। यानी हमारा जो टर्की में जो स्टे है वो अच्छा गुजर जाएगा गाइस। सो रूम में आ गया हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ, और आपसे फिर गपशप होगी नई वीडियो में। सो के उठ के फ्रेश होने के बाद, अगर तो मैं जल्दी उठ गया या फ्रेश अप रहा, तो फिर इंशाल्लाह आज भी बाहर विजिट करेंगे या मार्केट विजिट करेंगे। तो चलें, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर फ्रॉम मी, क्योंकि मैं अभी सोने लगा हूँ, और फिर उठ के बाकी का प्लान करते हैं। और अगर बाहर विजिट किया सो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू गाइस। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।